हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हेल्पर स्टार में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फूल गोभी कीमा की रेसिपी। तो चलिए हम यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल में इस तरीके से फूल गोभी को काट लिया है। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया है, ये 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, ये आधा चम्मच जीरा लिया है, और ये हमने इस तरीके से बारीक हरी धनिया काट लिया है, ये एक बड़े साइज़ का टमाटर काट लिया है। अब ये मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये नमक स्वाद अनुसार लिया है, और ये आधा चम्मच जीरा पाउडर है, ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। तो मैंने एक गैस पर गरम पानी में ये गोभी डाल दिया था। ये देखिए गोभी हमारी पक गई है, इसे हमें पका लेना है पहले थोड़ा हल्का। और फिर हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई जिसमें हम दो चम्मच छोटे तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले जीरा डाल रहे हैं, जीरा हम थोड़ा तड़कने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे जीरा यहाँ तड़क रहे हैं, तब हम इसमें अब अपनी जो एक प्याज काट कर रखी थी बारीक, इसे डाल देंगे। उसके बाद हमने जो हरी मिर्च बारीक काट कर रखा हुआ है उसे डालेंगे, और हमें बीच बीच पे चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो हमारी प्याज यहाँ जल जाएगी। ये देखिए इसी तरीके से हम मिलाएंगे। अब हम इसमें हम प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज यहाँ हल्का ब्राउन हो रही है। उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। और फिर इसे चम्मच की मदद से मिला लेंगे। फिर हमने जो एक टमाटर काट कर रखा था बारीक, उसे डाल देंगे। फिर इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे टमाटर यहाँ गल चुके हैं। फिर टमाटर गलने तक ही हमें पकाना है। और फिर हम इसमें आधा चम्मच जो लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है उसे डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या तो नहीं, ये तीखे के ऊपर डिपेंड करता है। और ये नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये हमने फूल गोभी जो हमने गर्म पानी में पका ली थी उसे एक बर्तन में हमने इसका पानी निकाल लिया है, और फिर इसे हम उस कढ़ाई में डालेंगे। यह हमारी फूल गोभी हमने पहले से ही थोड़ा पका लिया है, इसे आप हल्का पहले गर्म पानी में पका लें और फिर इसका पानी एक छन्ने में कर कर निकाल लें, फिर ही इसे कढ़ाई में हमें डालेंगे। और फिर इस तरीके से हम डालकर ही हमें अच्छी तरह से मिलाना है। फिर धीमी आंच में गैस कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ हमारी फूल गोभी पक चुकी है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से तोड़ लेंगे। और ये हमने जो आधा चम्मच छोटा जीरा पाउडर लिया था उसे ऊपर से डाल देंगे। तो हमने यहाँ जीरा पाउडर डाल दिया है, अब इसे भी अच्छी से मिला लेंगे चम्मच की मदद से। ये हमारी फूल गोभी कीमा बनकर तैयार है। और इसमें ऊपर से हम हरी धनिया डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी फूल गोभी कीमा बना है।